शत्रुघ्न सिन्हा का वो वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें बेटी की विदाई के समय वो काफी ज्यादा भावुक दिख रहे हैं। सोनाक्षी भी इन वायरल तस्वीरों में दिख रही है इमोशनल। हिना खान को हुआ स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर, पोस्ट शेयर कर अपने चाहने वालों से की दुआ करने की अपील। रिलीज के पहले दिन ही प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी ने शाहरुख खान की फिल्म जवान को छोड़ा पीछे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में पहले दिन इस फिल्म ने लगभग 95 करोड़ रुपए कमाए, जो कि जवान की पहले दिन की कमाई से काफी ज्यादा है। लोकसभा में विपक्ष के हमले पर गुस्सा हो गई कंगना रनौत। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, विपक्षी सांसदों ने किसी को बात नहीं करने दी और ऐसा लगा कि वे हमला करने वाले हैं। हम पहली बार संसद आए हैं तो हम भी घबरा गए कि क्या हो गया, इतना ज्यादा चीखना और चिल्लाना हुआ। अरबाज खान से तलाक के बाद अपने बेटे की को पेरेंटिंग करने पर मलाइका अरोरा ने दिया बड़ा बयान। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, जो भी हो लेकिन ये अच्छा है, हमने अब बेहतरीन बैलेंस बना लिया है। शायद पहले ये थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि कहते हैं ये जिंदगी है। मैं और अरबाज हमेशा से जानते थे चाहे दो एडल्ट्स के बीच जो कुछ भी हो, बच्चे पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। हमने को पेरेंटिंग का एक बहुत सहज तरीका निकाला है। विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क की फिल्म बैड न्यूज का ट्रेलर आया सामने। 19 जुलाई को आएगी फिल्म। रिपोर्टेडली मुंजिया में अभय वर्मा के रोल के लिए आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर को किया गया था अप्रोच। खबर के मुताबिक पहले ये रोल किसी एक्ट्रेस के लिए लिखा गया था लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। अपनी नशे की लत पर खुलकर बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, मैं बीच में ऐसे लोगों के साथ रहता था जो बहुत फूंकते थे, मुझे भी इसकी आदत लग गई थी, बड़ा मजा आता था। मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहता, मैंने जो भी नशा किया है वो दिल्ली आकर किया, लेकिन फिर इसीलिए छोड़ दिया कि मुझे मजा आने लगा था। मुझे जहाँ मजा आने लगता है वो चीज छोड़ देता हूँ। इसके बाद आर्टिस्ट बनकर जिंदगी का मजा लेने लगा। रूमर्ड बॉयफ्रेंड अगस्त्य नंदा के साथ रिपोर्टेडली लंदन में पार्टी करती हुई नजर आई सुहाना खान। वायरल हुई तस्वीर। मुंबई के पाली हिल में नई प्रॉपर्टी खरीदी आमिर खान ने। खबरों के मुताबिक इसकी कीमत 9.75 करोड़ रुपए बताई जा रही है।